be a mega terminal, and this will be an integral part of the IMEC corridor. जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट ये पोर्ट होगा। इस पोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी पोर्ट की डिजाइन के साथ ही इंटीग्रेट की गई है। रेलवे करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है पोर्ट से और हाईवे थोड़ा सा उससे ज्यादा है, और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ लगा हुआ पोर्ट है। पोर्ट का जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है, दो होती है, एक होती है डेप्थ, दूसरा होता है हिंटरलैंड के साथ कनेक्टिविटी। तो इसमें हिंटरलैंड के साथ जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस कनेक्टिविटी होगी, 12 किलोमीटर दूर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो अपने आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वधावन पोर्ट विल बी अ मेजर मेजर मल्टीप्लायर इंपैक्ट रहेगा इसका। बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट को आज अप्रूव करना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करीब करीब 60 साल पहले हुई थी। इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 60 साल पहले, लेकिन ये मोदी जी का फोकस है कि वो दूर की सोच के, बहुत ही एक विजन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ, आगे का भविष्य की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उन रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे जिसमें मेगा वेसल्स आएंगे, मेगा कंटेनर वेसल्स आएंगे, वेसल यानी शिप, मेगा कंटेनर शिप्स इसमें आएंगी। 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट हो गए, ऑयल इंपोर्ट हो गया, इन सब के लिए। 1 रोरो बर्थ रहेगी, रोरो बर्थ यानी जिसपे गाड़ी आए और शिप के अंदर सीधी बैठ जाए, यानी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए काम आएगी ये। और 1 कोस्ट गार्ड की बर्थ रहेगी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग पोर्ट। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय दी ज्वाइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड। इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन 2 फेजेस में होगा। फेज 1 जो 2029 तक कंप्लीट होने का प्लान है, उसमें 15 मिलियन TEU कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी, और उसके बाद में फेज 2 में अनदर 8 मिलियन टन्स करके टोटल 23 मिलियन टन्स की, 23 मिलियन TEU की कैपेसिटी इसमें क्रिएट की जाएगी। ये पोर्ट कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। दिस पोर्ट हैज द पोटेंशियल टू बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पोर्ट। मुंबई से केवल 150 किलोमीटर दूर है, तो दिस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव बेनिफिट्स फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर क्लोज टू मुंबई, जैसे ठाणे का एरिया हो गया, कल्याण एरिया हो गया, वापी एरिया हो गया। इस तरह से एक पूरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एरिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चूंकि वहां तक पहुंच चुका है ऑलरेडी दहानू तक, तो इसलिए कंप्लीट नॉर्दर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, वेस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्री को भी, और ईस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर्स को भी कंप्लीट इस पोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव। दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ आर इकोनॉमी।